नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीपसि द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे, इतिहास की किताबों में बदलाव पर बोले हैं शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा पहले भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जाता था और ऐसे में अब भी पढ़ाया जा रहा है, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, वीर सावरकर ने देश के लिए बलिदान दिया, ये कहा गया कंवरपाल गुर्जर की तरफ से, जो कि शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है वीर सावरकर को लेकर। दरअसल उन्होंने कहा कि इतिहास की किताबों में बदलाव पर शिक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा पहले भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जाता था और आज भी वीर सावरकर के बारे में जो है पढ़ाया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया है वीर सावरकर को लेकर। वीर सावरकर ने देश के लिए बलिदान दिया, ऐसे में आज भी इतिहास के पन्नों में लगातार उनका जिक्र है। ये शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से कहा गया है, इतिहास की किताबों में आज भी जो है उनका जिक्र है। तो इतिहास में जो हुआ वो आज भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो इतिहास में जो हुआ वही पढ़ाया जा रहा है, ये गुर्जर की तरफ से कहा गया है। जो गलतियां हुई हैं वो पढ़ाई जाएगी, तो ये कहा है गुर्जर की तरफ से। और पहले भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जाता था और आज भी पढ़ाया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया है वीर सावरकर को लेकर। उन्होंने कहा वीर सावरकर ने देश के लिए बलिदान दिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया है, इतिहास में जो हुआ वही पढ़ाया जा रहा है, ये गुर्जर की तरफ से कहा गया। जो गलतियां हुई वो पढ़ाई जाएगी। और शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान वीर सावरकर को लेकर। दरअसल उन्होंने कहा है कि पहले भी वीर सावरकर के बारे में छात्रों को पढ़ाया जा रहा था, आज भी उनके बारे में पढ़ाया जा रहा, चूंकि वीर सावरकर ने देश के लिए बलिदान दिया है, ऐसे में उनको याद रखा जाता है। तो इतिहास के पन्नों में आज भी वीर सावरकर का जिक्र है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से ये बयान सामने आया है। आपको बता दें इतिहास की किताबों में बदलाव पर शिक्षा मंत्री का ये बयान जो है सुनने में आया है। और पहले भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जाता था, आज भी पढ़ाया जा रहा है। तो अभी भी वीर सावरकर के बारे में इतिहास के पन्नों में जिक्र है और आज भी वो छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इतिहास में जो हुआ वही पढ़ाया जा रहा है, ये कहा गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से। तो जो गलतियां हुई वो पढ़ाई जाएंगी, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान जो है सामने आया है। पहले भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जाता था, अब भी पढ़ाया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से ये बयान सामने आया। आपको बता दें कि कंवरपाल गुर्जर ने वीर सावरकर को लेकर यह बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर के बारे में पहले भी किताबों में पढ़ाया जा रहा था और अब भी पढ़ाया जा रहा है। इतिहास में जो हुआ वही पढ़ाया जा रहा है, गुर्जर की तरफ से, जो कि शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो वीर सावरकर को लेकर ये बयान सामने आया है कंवरपाल गुर्जर का, जो कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री। इतिहास में जो हुआ वही पढ़ाया जा रहा है, जो गलतियां हुई वो पढ़ाई जाएंगी, शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो ये बड़ा बयान उनका सामने आया। पहले भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जाता था, अब भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो वीर सावरकर ने देश के लिए बलिदान दिया और ऐसे में आज भी इतिहास के पन्नों में उनका जिक्र है। और साथ ही वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो ये शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। देखिए, वीर सावरकर के बारे में अभी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं, वीर सावरकर के बारे में पहले भी पढ़ाया जा रहा था। और मैं पूरा उस पे उसके पक्ष में हूं कि वीर सावरकर जी ने जो बलिदान देश के लिए दिया, जो संघर्ष देश के लिए किया, वो अपने आप में बेमिसाल है। उनकी एक फिलॉसफी है, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई अगर जो फिलॉसफी गांधी जी की है वही रहनी चाहिए, तो वो उनकी सोच हो सकती है। जो देश की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे उनकी अलग अलग थी। अगर क्रांतिकारियों की हम लें तो क्रांतिकारियों की अलग सोच थी, महात्मा गांधी जी की अलग सोच थी, वीर सावरकर जी की अलग सोच थी, लेकिन सभी महापुरुष देश की आजादी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसका मतलब कोई ये नहीं है कि कोई महापुरुष कम हो गया, सब उतने ही बड़े महापुरुष हैं, देश के लिए काम कर रहे थे। देखिए, वीर सावरकर के बारे में अभी पढ़ाया जा रहा है।
बड़ा बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें वीर सावरकर का भारतीय स्वतंत्रता में योगदान जो है न सिर्फ एक क्रांतिकारी के रूप में था बल्कि एक भाषाविद, कवि, राजनेता, समाज सुधारक, दार्शनिक, इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी वो थे। तो ऐसे में वीर सावरकर को लेकर ये शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि पहले भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जाता था बच्चों को और आज भी वीर सावरकर के बारे में अब भी पढ़ाया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से ये बयान दिया गया है। इतिहास की किताबों में बदलाव पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जा रहा था और आज भी अब भी पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि ना केवल इतिहास के पन्नों में जिक्र है बल्कि उन्हें कई उनके योगदान की वजह से भी याद किया जाता है। संघर्ष देता है इतिहास जो है ना जी, इतिहास को आप शुगर कोटेड नहीं बना सकते कि आप मिट्टी मिट्टी बातें लिखेंगे, अगर कोई कड़वी है तो वो भी बात कही जा। जहां कांग्रेस को बहुत से श्रेय मिल रहे तो वहां कुछ गलतियां भी हुई हैं, उन गलतियों का भी जिक्र किया ही जाएगा। वहीं अगर हम 562 रियासतों का जिक्र कर रहे हैं कि जिस कुशलता के साथ सरदार पटेल ने उनका विलय किया वो अपने आप में बेमिसाल है, तो वो भी कांग्रेस के ही नेता थे, इसी देश के उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर देश का विभाजन स्वीकार किया गया तो वो भी एक बड़ी गलती थी, तो उसमें भी जिक्र निश्चित तौर से होगा। तो कंवरपाल गुर्जर की तरफ से ये बयान दिया गया है वीर सावरकर को लेकर। उन्होंने कहा कि पहले भी उन्हें उनके बारे में पढ़ाया जा रहा था और आज भी उनके बारे में अब भी पढ़ाया जा रहा है। वीर सावरकर का जो बलिदान है वो हमेशा से याद किया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ केवल ढींगरा इस वक्त कांग्रेस नेता जो है जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी मैम, मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूँ और आपने सवाल मुझे दोहरा दें जरा एक बार। केवल ढींगरा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतिहास में जो हुआ वही पढ़ाया जा रहा है वीर सावरकर को लेकर। कंवरपाल गुर्जर का ये बयान सामने आया है और ऐसे में अब उन्होंने ये कहा है कि पहले भी उन्हें उनके बारे में पढ़ाया जा रहा था, आज भी अब भी उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए, अगर पहले भी वीर सावरकर को पढ़ाया जा रहा था और अब भी पढ़ाया जा रहा है तो फिर चेंज क्या किया? इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो किया है। या तो वीर सावरकर की जो चिट्ठियां अंग्रेजों को लिखी हुई थी, माफीनामे लिखे हुए थे, वो शायद छूट गए होंगे, वो बीच में डाल दिए हों शायद इन्होंने, या इन्होंने क्या चीज एक्स्ट्रा डाली है ये बताना चाहिए कि अंग्रेजों के जो साथ मिलकर जो भाजपा की और आरएसएस की, जो उस समय की आरएसएस थी वो भाजपा के साथ जो अंग्रेजों के साथ मिलकर चली वो पाठ्यक्रम में डालेंगे, या वीर सावरकर की चिट्ठियां डालेंगे कि उसने कितनी बार माफी मांगी थी कि मुझे जेल से छोड़ दिया जाए और मैं अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करूंगा और कोई भी सरकार को तकलीफ नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि जो गलतियां हुई हैं उन्हें भी पढ़ाया जाएगा। देखिए, वही तो मैं बात कह रहा हूँ, गलतियां तो ये कभी नहीं पढ़ाएंगे, ये अच्छी अच्छी चीज को लाना चाहेंगे कि हमारा देश आजाद जो है उसकी परिभाषा को उल्ट करना जरूर चाहेंगे। आज देखिए, हमारा देश आजाद हुए हुए 75 साल हो चुके, लेकिन आज भी हम 75 साल पहले का जिक्र जरूर करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा, वो तो हमारा सिस्टम चला ही आ रहा है। उसको बदल कर क्या करेंगे आप, उसको बदल के क्या ले लेंगे? उसकी जो वीर सावरकर की चिट्ठियां लिखी हुई हैं उसको दिखा के लोगों को क्या लेंगे कि उन्होंने माफी मांगी, हमारे देश अंग्रेजों के सामने माफी मांगी, ये बताना चाहेंगे? हमारे देश के लोग जो हैं, वीर सावरकर भी हमारे देश के आदमी थे, वो अगर उन चिट्ठी लिख के माफी मांगते हैं अंग्रेजों से, क्या वो पढ़ाना चाहते हैं हमारे भारत के लोग? मुझे समझ में नहीं आ रही। इनको इनको बेसिकली क्या है, एजुकेशन बंद करने वाली सरकार है भाजपा की सरकार, को ये बताना चाहिए कि हमने कितने स्कूल बंद कर दिए, कौन सी स्टेट में कितने कितने स्कूल बंद कर दिए, ये विषय ज्यादा जरूरी है। ठीक है केवल ढींगरा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सीधे जान लेंगे। वीरेंद्र हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जो हैं वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले और सबसे सीधा सवाल मेरा आपसे ये, क्योंकि केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि जो वीर सावरकर की गलतियां थी, जो उन्होंने पत्र लिखा था
अंग्रेजों को और माफी मांगा था, तो ऐसे में ये पढ़ाकर आप क्या क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, इस तरह की भाषा बोलना, इस तरह के सवाल खड़ा करना कांग्रेस की निम्न मानसिकता का परिचायक है। वीर सावरकर के नाम से हम जिस विभूति को जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, वो ऐसी हस्ती हैं भारत के स्वाधीनता संग्राम की जिन्हें अंग्रेज की खिलाफत करने के लिए एक नहीं दो आजन्म कारावास की सजा दी गई, जो एक महीना, दो महीना, चार महीने नहीं, कई साल तक अंडमान की काल कोठरी में बैल की जगह कोल्हू में जुत कर इसलिए कोल्हू चलाते रहे ताकि भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की आवाज वो कमजोर न पड़े। वीर सावरकर उस व्यक्ति का नाम है, इन कांग्रेसियों को समझ नहीं आता क्योंकि इनका तो एक आदमी जेल नहीं गया और इनके पंडित नेहरू अगर जेल भी गए तो जेल में रेस्ट हाउस में रहे। वीर सावरकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम पर एक ऐसी किताब लिखी जिस किताब को अंग्रेज ने प्रकाशित होने से पहले प्रतिबंधित कर दिया। तो वीर सावरकर के तो पासंग भी कोई एक कांग्रेसी पूरे स्वाधीनता संग्राम के दौरान खड़ा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वीर सावरकर वो सच्चे क्रांतिकारी थे, सच्चे स्वाधीनता सेनानी थे, इसलिए उन पर छींटाकशी करना हर कांग्रेसी अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपना धर्म समझता है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वीर सावरकर के बराबर या उनसे मुझे पूरा करने दीजिए, अगर किसी कांग्रेसी ने ढींगड़ा समेत, मैं ये कह रहा हूँ केवल ढींगड़ा, इतिहास के पन्नों को पलटकर कांग्रेस का इतिहास लिखित इतिहास उठाकर देख लो, कोई एक कांग्रेसी बता दो जो वीर सावरकर के सोवा हिस्सा भी जिसने संघर्ष किया हो। लानत है तुम्हारे ऊपर। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने इतने सारे सवाल किए तो जवाब भी सुन लीजिए। केवल ढींगरा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी आप जवाब सुन लीजिए, ठीक है? केवल ढींगरा जी क्या कहेंगे जवाब? अस्मिता के साथ दोस्ती के कारण देश की अस्मिता के साथ समझौता करते देखे गए, जो पंडित नेहरू एडविना के साथ अपनी दोस्ती के कारण कुख्यात हुए, उसका जिक्र करना ज्यादा मुझे लगता है सार्थक होगा केवल ढींगड़ा के लिए। अब मैं बोलूं दीप्ति जी? ठीक है वीरेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। नहीं दीप्ति जी, ये तो बोल ही रहे थे, रख ही रहे थे, दोबारा फिर यही रखे क्या? मैं तो बोला ही नहीं अभी। ठीक है, मैंने आपके लिए बोला था केवल ढींगड़ा जी कि अगर आपने वीरेंद्र चौहान जी को सुना तो अब आप क्या जवाब देंगे इस पर? वो लानत बोल रहे हैं कांग्रेस को, कभी कुछ बोल रहे हैं, इनको समझ में ही नहीं आता। शायद इनको थोड़ा सोच के बोलना चाहिए कि किससे बात कर रहे हैं। अरे किससे बात कर रहा हूँ मैं, उस पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ केवल ढींगड़ा, जो अंग्रेज ने बनाई थी, अंग्रेजों के लिए बनाई थी, जिसके पहले कई अध्यक्ष अंग्रेज थे, जो 1930 तक देश की आजादी की संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर पाई, मैं उस पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ। आपको नौकरी भी उसी नहीं थी, आपकी आपको बदतमीज इंसान, वाहियात आदमी, तमीज नहीं है। वीरेंद्र जी, प्लीज आप शब्दों की मर्यादा मत, आप शब्दों की मर्यादा में रहकर प्लीज बोलिए। और केवल ढींगरा जी, आप दोनों लोगों से निवेदन है कि प्लीज शब्दों की मर्यादा में रहकर ही आप लोग बयान दीजिए। शब्दों की मर्यादा में रहकर आप दोनों लोग बात करिए प्लीज, निवेदन है आपसे। इस पागल आदमी को ये नहीं पता कि नौकरी कैसे मिलती है और कौन देता है। अगर कांग्रेस की डिफेंस नहीं कर सकते तो मुझ पे व्यक्तिगत हमले करने के लिए मेरे सामने आ जाओ बच्चे। केवल ढींगरा जी देखिए, आप दोनों लोगों से निवेदन है, कोई किसी पर व्यक्तिगत जो है हमला नहीं करेगा। और प्लीज आप अपनी अपनी बात जो है वो शब्द के दायरे में, शब्द की मर्यादा के दायरे में रखते रहकर करिए। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन शब्दों की मर्यादा हमेशा याद में रख के, और तब आप किसी चैनल के साथ जुड़कर और अपनी बात रखिए, क्योंकि शब्दों की मर्यादा में रहकर ही बातचीत करना सही होता है। फिलहाल यहां पर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर की तरफ से जो बयान सामने है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर वीर सावरकर को लेकर बयान दिया है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें यूपी के तर्ज पर अब हरियाणा के मदरसों में भी राष्ट्रगान होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, यूपी की तर्ज पर अब हरियाणा के मदरसों में भी राष्ट्रगान होगा। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का यह बयान सामने आया है, राष्ट्रगान हो रहा है या नहीं ये जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो कदम उठाएंगे। ये कंवर पाल गुर्जर की तरफ से बयान सामने, आपको बता दें कि अब यूपी के तर्ज पर यहां हरियाणा के मदरसों में भी राष्ट्रगान होगा, ये कहा गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से। लगातार एक के बाद एक तमाम बड़े बयान और तमाम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, यूपी की तर्ज पर अब हरियाणा के मदरसों में भी राष्ट्रगान होगा। और इसके साथ ही टीचरों की कमी को लेकर भी शिक्षा मंत्री का बयान सामने है, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको बताते हैं। तो टीचरों की कमी पर बोले हैं शिक्षा मंत्री, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि उन्होंने कहा है प्रदेश में टीचरों की जो कमी है वो पूरी करेंगे जल्द से जल्द। शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है एक साल में प्रदेश में टीचरों की कमी पूरी कर दी जाएगी, तो जो भी कमी है वो एक साल में जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। टीचरों की कमी पर ये शिक्षा मंत्री का बयान सामने, आपको बता दें कि इन दिनों लगातार तमाम जो सरकारी स्कूल है वहां पर टीचरों की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री का ये महत्वपूर्ण बयान, चूंकि टीचरों की जो कमी है वो दूर होना बेहद जरूरी है और इसको लेकर ये शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है।